मिस्टर जॉन, आप? मैं खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन ये शायद कोई ख्वाब है। हाँ, तुम सच में ख्वाब देख रही हो। सनम, कहाँ हो तुम? संभालो अपने आप को। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था। देखो, हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। तो क्या कहती हो, अब हमें खाना ऑर्डर करना चाहिए? मैं खा नहीं सकती, यू नो, डिटॉक्स। ऑलराइट, फिर मैं भी नहीं खाऊंगा, लेकिन स्कॉच तो पी ही सकता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मुझे चाहिए एक स्कॉच एंड वन कप ऑफ कॉफी। इसमें पार्सले, बनाना और एप्पल्स हैं, और इस तरह की ड्रिंक्स डिटॉक्स करती है बॉडी को, तो मैं अक्सर इस तरह के पीती हूं। मिस्टर जॉन, आप मिस आरजू के साथ डिनर पे गए थे ना? डिनर पे खाना नहीं खाया, इसलिए यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी डिश ऑर्डर की है? सैर्डाइन्स। हाँ, सीजन भी है इसका। लेकिन बिना फोर्क और नाइफ के खाना होगा। आप हाथ से तो खा लोगे ना? एक्सक्यूज मी, मुझे भी यही डिश सर्व करना। ऑफ कोर्स सर। आप ये ट्राई कीजिए। इमिग्रेंट्स लोगों के फोटोज क्लिक करना इजी लगता है क्या, जैसे कि औरतें और बच्चे? हाँ, इतना इजी नहीं है, लेकिन हैबिट हो चुकी है। मुझे तो इस्तांबुल में रहना ज्यादा मुश्किल लगता है। देखो ना, दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी लोग डिटॉक्सेस और बोटॉक्सेस में फंसे रहते हैं। लोग अजीब हो गए हैं। आपको पता है, मैं गालापागोस में शिफ्ट होना चाहती हूँ। गालापागोस में? हाँ। लेकिन क्यों, वजह क्या है? गालापागोस ज्यादा मुश्किल नहीं है? मैंने ख्वाब में देखी है ये जगह, और आपको पता है, मैं वहां जाकर अपनी नॉवेल लिखने वाली हूँ। बहुत खूब, मैं पढ़ूंगा तुम्हारी लिखी हुई नॉवेल। वैसे गैलापागोस अल्बेट्रोस का मीटिंग पॉइंट है। आई नो। तुम ब्लश कर रही हो सनम, आखिर बात क्या है? पता है, तुम एक छोटे बच्चे जैसी हो। मुझे नहीं पता,
मैंने इसे हाथ में क्यों रखा हुआ है? बेहतर यही होगा कि तुम इसे पहन लो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन लेकिन फिर लेकिन क्या मुझे बताओ सनम, आपने लैला को क्यों निकाला? सनम, मैंने लैला को नहीं निकाला, सिर्फ उसका कंप्यूटर एग्जामिन हो रहा था, दैट्स इट। अरे हाँ, आप इतने अच्छे हो कि आप तो बस यहाँ जितने लोग हैं उन सबकी भलाई चाहते हैं। यू आर एन एंजल। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम क्या कहना चाहती हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बॉस हो और मैं जानती हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। आई सी, आई एम सो सॉरी। अब से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बॉस जैसा ही बिहेव करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आ रहा हूं। हाँ आ रहा हूं, कार रेडी है, चलो आ जाओ। शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन मैं आज रात को यही रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। बहुत एक्साइटेड हूं। विश्मिला का एक मिनट रुको। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शूटिंग तो खत्म हो गई है ना? मैं बस कॉस्ट्यूम समेट रही हूँ। ये फ्लावर क्राउन तुम पे सूट कर रहा है। अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से, ठीक है? जा रही हूं। आरजू, इन फोटोज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट बता दो कि ये सारे फोटोज एकदम परफेक्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जहां हम दोनों साथ होंगे वहां सब परफेक्ट होगा। ये सारे फोटोज मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई एम श्योर तुम थक गई होगी। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या है ये, तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्या तुम यहाँ से मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, मैं तो बस। तो भी ठीक है, मेरे पास कल सुबह तक का टाइम है। मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में ही रुक जाती हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ घंटों के लिए होटल वापस जाना कोई काम का नहीं है, है ना? हाँ, गेस्ट रूम तो है यहाँ पर। हाँ सनम, अरे तुम गई नहीं अभी तक? वो इन्हें समेट के मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। अरे नहीं, तुम सुबह से ही काम कर रही हो, बाकी काम मैं कर लूँ। तुम घर जाओ। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं रुक भी सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम करो, इसे अंदर रख दो। वैसे भी यहाँ रुककर क्या करोगे तुम? एक काम करो ना, जाकर अच्छा सा मेरे लिए एक वेजिटेबल सूप बना दो, जल्दी करो। तब तक जान और मैं आसमान में सितारे देखते हैं। कम जान, जान जल्दी आओ। बनाती हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस। एक स्ट्रॉबेरी से कुछ नहीं होता, दो तीन स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी इचिंग तो वो बर्दाश्त कर ही सकती है।
सनम ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर जान, आप कब आए? अभी मैं मदद कर देती हूँ, लाइए। ओह, मेरा जूस। ओह गॉड, कितना टेस्टी था ये। आई लव्ड इट। सनम, ठीक तो? थक गई है ना बेचारी। गुड नाइट सनम, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सनम, टेक केयर। हाय, मैं एहान हूँ, तुम्हारी फैमिली कोच। बोलो। एहान, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। क्या हुआ सनम? मेरे हैंडसम बॉस मिस्टर जान के घर आज एक फोटोशूट था और वो पूरा दिन उस आरजू नाम के मॉडल के पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैंने उस मॉडल की स्कर्ट पे पैर रख के उसे गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं फूटा। उससे अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड क्यों है? गॉड नोज, बहुत ही अनोइंग मॉडल है वो, उसे तमीज ही नहीं है बात करने की। सनम देखो, तुम हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अयान, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उसे सॉरी बोल दूं? लेकिन वो औरत तो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, वो उसके लायक ही नहीं है, उसे ऐसा करने से कैसे रोकूं? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने ये सब करने के लिए कहा क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे करना है। क्यों? मुझे नहीं पता। देखो सनम, अगर तुम्हें उससे जलन हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें बॉस से प्यार हो गया है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी अल्बाट्रोस को धोखा नहीं दोगी, अब क्या हुआ? हा? मैं सिर्फ अपने अल्बाट्रोस से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर दी थी और इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? मेरी बैग, मैं अपनी बैग अंदर भूल आई। सनम, सनम मेरी बात सुनो। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आसमान, सरा देखो तो सही ऊपर वहां पर। अर्जु, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जाकर सोता हूँ। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम कितने शर्मीले हो, सच में सोने भी जा रहे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं ना, खुले आसमान को देखकर। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा सनम, मिस्टर जान, मैं बस अपना बैग भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बाय। जो मैं काफी थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। आज की रात को मेमोरेबल बनाते हैं, वो भी एक किस के साथ। ओह माय गॉड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज। अर्जु, तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम? एक छोटी सी तो किस है, चलो जल्दी करो। अर्जु देखो, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे कुछ। किस, कम ऑन। अर्जु मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा लग रहा है, तुम्हारे चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही है। देखो हमें क्या मेरे चेहरा क्या उसने मेरी ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी डाल दी, मुझे एलर्जी है। ओह गॉड, मुझे मत देखना, मैं हॉस्पिटल जा रही, मुझे मत देखना। Thank you.
सनम। सनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया ये बताओ। क्या तुम्हें आरजू से जलन हो रही थी इसलिए? तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे जाना है। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा सनम, तुम्हें जब पता था कि वो स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक है तो फिर तुम उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज कैसे डाल सकती हो? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि उसका फेस इतना अगली हो जाएगा। 2-3 स्ट्रॉबेरीज ने ही मेरा काम कर दिया। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है या तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो। हाँ, और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने कितनी स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी। मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐड की थी, क्या रीजन था उसके पीछे? मैंने तो आपके लिए किया ये सब। वो सारा दिन आपको तंग करती रही, आप भी गुस्सा हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया। मुझे बचाने के लिए तुमने किया ये सब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? मैं क्या 5 साल का छोटा बच्चा दिखता हूँ तुम्हें? Yes, you're right. मुझसे गलती हो गई, I'm sorry. मैंने आपकी रोमांटिक नाइट खराब कर दी, I'm sorry. सनम आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम कहती हो कि तुम एंगेज्ड हो और फिर तुम अपने अल्बेट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। और समझने की कोशिश मत कीजिए। आपकी प्राइवेट लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, समझे आप? मैं अपने फियांसे से प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है, आप मेरे बॉस हैं तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए और मुझसे सवाल मत पूछिए। हाँ ठीक है, अब से बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल दूर रहूंगा। ठीक है, टेक केयर। क्या मैं जा सकती हूँ?